कतर में खेली गई मास्टर्स लीग क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में कल रात शाहिद आफरीदी की क्यादत में एशिया लाइन्स ने शेन वॉटसन की कप्तानी में खेलने वाली टीम वर्ल्ड जायंट्स को बसानी शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वर्ल्ड जायंट्स ने पहले खेलते हुए जॉक हैरिस के शानदार 78 रनों की बदौलत 147 रन स्कोर किए। जवाबन एशियन लाइन्स ने कि खिलाड़ियों ने यह हदफ बसानी 17वें ओवर की पहली बॉल पर उबूर कर लिया। बांग्लादेश के स्पिनर अब्दुल रजाक को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। स्पेनिश लीग लालीगा में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 1-2 से शिकस्त दे दी। रॉयल मैड्रिड की 90वें मिनट पर बढ़तरी के बाद बार्सिलोना ने शानदार कमबैक किया। बार्सिलोना की जानिब से सर्जी रोबर्टो और फ्रैंक एसेई ने 2 दागे, जबकि रॉयल मैड्रिड की जानिब से 1 रोनाल्डो रिजो ने किया। वाजा रहे कि बार्सिलोना ने इस जीत के साथ लगातार तीसरा एल क्लासिको जीत लिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बोर्ड्स ने इस तब्दीली पर इत्तेफाक कर लिया है। दौरे में 5 T20